Okay, hello friends, how are you? So today what we are going to study? We are going to study what is electrode potential, what is cell potential. The cell potential is also called as EMF, electromotive force. We know that EMF of cell, right? After this you will see the standard electrode potential, right? Now standard cell potential we will see. First of all, we will see this let's start the topic. What is electrode potential? Now, हम लोग को मालूम है जब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, जब मैं एक सोल्यूशन लूंगा और सोल्यूशन में इलेक्ट्रोड को मैंने क्या किया, अगर डीप किया, इलेक्ट्रोड को डीप करने के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रोड क्या करेगा, आइडल इलेक्ट्रोड यहाँ पर होता क्या है, इलेक्ट्रोड क्या करेगा, उसके अंदर के मेटल्स जो है, मेटल्स या तो उसके अंदर से मेटल्स निकलेगी, राइट ना, मेटल्स जो है आयंस के फॉर्म में. एग्जाम्पल, अगर मैं जिंक मेटल निकाला, जिंक मेटल क्या करेगा, जिंक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऑक्सीडेशन करता है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और कौन से फॉर्म में आएगा, Zn प्लस टू के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा. यस और नो? यानी इसका मतलब जिंक में मेटल डालूंगा मैं, तो जिंक मेटल क्या करेगा, वो आयंस के फॉर्म में बाहर जाएगा, और आयंस के फॉर्म में जाएगा इसका मतलब क्या होगा, ये आयंस के फॉर्म में बाहर निकल रहा है मेटल, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन पे वो अपना इलेक्ट्रॉन को लीव कर देगा, छोड़ देगा, अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा. इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन. मेटल ने अपना क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, डी इलेक्ट्रोनेशन लूज किया. लूज करने को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन. इसीलिए इसका और एक नाम क्या है, ऑक्सीडेशन, राइट ना, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, समझा. सिमिलरली अगर मैंने मेटल डाला, कोई मेटल लाइक दिस, मेटल क्या करेगा उस टाइम पे, क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जगह यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मतलब यहाँ पर क्या होगा, मेटल इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा, मेटल इलेक्ट्रॉन पे आएगा. इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो, आयन जो है वो निकल नहीं रहा, आयन जो है इनफैक्ट निकलने की जगह क्या है, आयन जो है मेटल स्ट्रिप पे ही रहा, तो मेटल स्ट्रिप पे है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसका मतलब रिडक्शन, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, राइट. ये हम लोग को समझना नहीं, हम लोग समझ चुका है, इससे पहले भी समझ चुका है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है. मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर होता क्या है, जब भी मेटल स्ट्रिप अगर हम लोग क्या करेंगे सोल्यूशन में जाएंगे, तो या तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, या मतलब आयंस के फॉर्म में बाहर जाएगा, या फिर आयंस के फॉर्म में पॉजिटिव आयन जो है इलेक्ट्रॉन पे डिपॉजिट होंगे, या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, समझा हम लोगों. तो ये जो इलेक्ट्रॉन को लूज करना या इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर आइडर इलेक्ट्रॉन लूज करना या गेन करने की वजह से क्या होगा, जो मेटल स्ट्रिप है, मेटल स्ट्रिप पे, मेटल स्ट्रिप के सरफेस और सोल्यूशन के बीच में एक इलेक्ट्रिकल क्या बोलेंगे हम लोग को, डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है. क्या होता है, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट ना. तो अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, के इट इज अ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, राइट ना, एग्जिस्ट बिटवीन व्हाट, सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सोल्यूशन, सोल्यूशन और सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड के बीच में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. कब, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन. कहाँ पर, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो हम लोग रिपीट करेंगे डेफिनेशन को, क्या बोलेंगे हम लोग, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, राइट ना, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन इलेक्ट्रोड, है ना, सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सोल्यूशन एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. समझा हम लोग को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, किसी को डाउट है. नाउ सेल पोटेंशियल की बात करते हैं, सेल पोटेंशियल इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, राइट, ऑफ सेल, राइट. तो ये क्या हुआ सेल पोटेंशियल, अगर मैंने इसको यही दो इलेक्ट्रोड है, दो अलग अलग सेल है, ये हाफ सेल, ये हाफ सेल है, अगर मैं इनको कनेक्ट कर देता हूँ बैटरी से, राइट, बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसी को, राइट. अब बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो ऑब्वियसली क्या हुआ, सर्किट कंप्लीट हो गई. यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे, राइट, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया मैंने यहाँ पर, समझो, समझ लो, इमेजिन करो मैंने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, ठीक है. तो सर्किट कंप्लीट हो गई है, तो क्या होगा, जैसे मैं करंट पास करने की जरूरत नहीं है, सॉरी यार यहाँ पर करंट नहीं पास होगा, बैटरी से करंट नहीं करने की जरूरत है, यहाँ पर हम लोग
वायर से कनेक्ट कर दिया, राइट, वायर से जो हाफ सेल को कनेक्ट कर दिया। तो मैंने जो हाफ सेल को क्या किया, मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे जनरेटर लगाना तो लगा दो, या फिर बल्ब लगाना है तो लगाओ, ये प्रूफ करने के लिए कि यहाँ पे करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब मैं वायर से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, यहाँ से क्योंकि जिंक क्या करेगा, मैं इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक एक अच्छा मेटल है तो उसका वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज किया जो मेटल पे स्ट्रिप पे है, और यहाँ पर आयन जो है सोल्यूशन में आ गए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो लूज किया मेटल पे, मेटल के इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनोड, ये एनोड समझो, ये क्या है मेरा एनोड है, राइट, एनोड पे ही ऑक्सीडेशन होता है, मैं बताया था एनोक्स रिडक्शन, ठीक है, कैथोड पर, और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, मैंने बताया रेड कैच है ना, रिडक्शन होता है, और यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडेशन बताया हमने, तो यहाँ पर एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो यानी इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो मेटल पे है और मेटल के इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए, राइट ना, यहाँ से होते हुए ये वायर से होते हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे हमारे, इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जाएंगे, राइट ना, कैथोड को कंज्यूम करेगा, राइट, कैथोड को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो कैथोड और एनोड के बीच में सेल डिफरेंस है, वापस से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और एनोड और कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलेंगे सेल सेल पोटेंशियल, समझा हम लोग को, सेल बन गया और इलेक्ट्रॉन क्या है, सॉरी एनोड और कैथोड के बीच में एक क्या है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बीच में क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन सेल पोटेंशियल बोलेंगे, समझा हम लोग को, सेम इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मतलब क्या, जो सरफेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और सोल्यूशन के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, और जो क्या बोलेंगे हम लोग सेल में, अगर सेल कनेक्ट है और एनोड और कैथोड के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे सेल पोटेंशियल और EMF ऑफ सेल, क्लियर हम लोगों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, कोई डाउट है किसी को, चलो लिख लो, ठीक है, जो समझ में आ लिखो, राइट। अब आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैं चेंज कर सॉरी नहीं सॉरी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल देखते हम लोग, राइट, पहले इसको ड्रॉ करके समझ के जो भी समझा वो लिख लो, दो मिनट। ओके लिख लिया, नेक्स्ट जो है हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ना ये सेल पोटेंशियल होता है ना, वो जो सेल पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है बहुत सारी कंडीशंस पे, कंडीशन पर भी डिपेंड करता है, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन है, प्रेशर है, राइट, टेम्परेचर है, सब कंडीशन पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, टेम्परेचर क्या है कंडीशन का, और प्रेशर क्या है, प्रेशर पे डिपेंड करता है। अगर ये कंडीशन अगर वेरी होती है तो सेल पोटेंशियल जो है वो भी वेरी होता है, और वेरी होने वाला सेल पोटेंशियल हमारे काम नहीं आएगा, हम लोग न्यूमेरिकल में उसका यूज़ नहीं होगा। तो हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सेल पोटेंशियल जो है वो कहीं पर भी हमेशा क्या होगा, मैं यहाँ पर उसको यूज़ करूँ, अमेरिका में यूज़ करूँ, कहीं भी यूज़ करूँ, तो एक फिक्स सेल पोटेंशियल होना चाहिए हर चीज़ का, हर एक सेल का एक सेल पोटेंशियल फिक्स होना चाहिए, तो फिक्स होना चाहिए ताकि मैं बोलूँ यहाँ से अमेरिका वालों को तो भी वो भी उसको यूज़ कर सके, नहीं तो क्या होगा, मैंने 25 डिग्री पे कैलकुलेट किया, उन्होंने 30 डिग्री पे किया, उनका अलग आया, मैं अलग आंसर आया, रॉन्ग आएगा, और वो क्या होगा रॉन्ग आंसर आएगा, फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो ज़रूरी ये है कि हम लोगों को यह, क्योंकि हमारी चीज़ें, हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये डिपेंड करता है हमारा जो सॉरी सेल पोटेंशियल है वो किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कंडीशन पर डिपेंड करता है ना, कंडीशन पर डिपेंड करता है, और देयरफॉर ये कंडीशन पर डिपेंड करता है, इसलिए हम लोग को ज़रूरी है कि हम लोग को एक फिक्स स्टैंडर्ड कंडीशन रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेल पोटेंशियल ही निकालेंगे बट एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकालेंगे, तो जो सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पे आएगा उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल कंडीशन, सेल पोटेंशियल,
स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में यहाँ पे लिखा हूँ कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन या और प्रेशर कितना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मैंने सर पोटेंशियल कंडीशन भी निकाला कितना बोला, मैंने वापस रिपीट कर देता हूँ, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मतलब 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर स्टैंडर्ड हमने क्या किया सेल पोटेंशियल निकाला तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। यहाँ तक क्लियर है ना? तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो होता है हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का हम लोग क्या दिखाते हैं ई सेल से दिखाएंगे, ई सेल इज इक्वल टू क्या आएगा ई जीरो एनॉड राइट, ई जीरो एनॉड प्लस ई जीरो कैथोड, ई जीरो एनॉड प्लस ई जीरो कैथोड। यहाँ पर कौन सा हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर क्या होता है रिडक्शन प्रोसेस राइट। बट स्टैंडर्ड है तो ऑब्वियसली हम लोग को एक ही क्रम में बात करना है, यहाँ पर एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि कंडीशन और प्रॉपर होने के लिए क्या जरूरी है हम लोग को यहाँ पर जो है कंडीशन जो है वो एक ही क्रम में मतलब या तो ऑक्सीडेशन में बात करो या तो रिडक्शन में बात करो ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो ऑक्सीडेशन में रिडक्शन में किससे बात किस में बात करेंगे, तो क्योंकि रिडक्शन का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, रिडक्शन वाले इलेक्ट्रॉड का पोटेंशियल क्या होता है कैथोड का पोटेंशियल हमेशा एनॉड के मुकाबले में ज़्यादा होता है, यानी वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन ना, और जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता है उसकी चलती है ना, हम लोग की नॉर्मल जिंदगी में वैसे ही जिसके पास पैसा प्रॉपर्टी है उसकी चलती है, गरीब बंदे की कभी नहीं चलती है। तो हमेशा यहाँ पर कैथोड इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है इसका मतलब उसकी चलेगी मतलब वो प्रॉपर्टी वाला है, वो ज़्यादा उसका पोटेंशियल उसका ज़्यादा है, तो उसका मतलब क्या करेगा वो उसकी ज़्यादा चलेगी। इसलिए नॉर्मली हम लोग जो है पोटेंशियल जो है नॉर्मली रिडक्शन कैलकुलेट करते हैं, मतलब हम लोग रिडक्शन में करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ई जीरो सेल इज इक्वल टू रहेगा माइनस ई जीरो एनॉड राइट एनॉड, क्योंकि मैं ऑक्सीजन को रिडक्शन में कन्वर्ट करने वाला हूँ तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया मैंने यहाँ पर माइनस सिंबल लगाया ऑक्सीडेशन को रिडक्शन कर दिया। तो जितना पोटेंशियल अगर किसी का 0.7 है अगर वो ऑक्सीडेशन वाला पोटेंशियल है तो उसका रिडक्शन वाला पोटेंशियल का माइनस 0.7 होगा, इसलिए मैंने माइनस लगाया ठीक है। क्या आएगा ई जीरो कैथोड वैसे के वैसे रहेगा, इसको मैंने कुछ चेंज नहीं किया क्योंकि रिडक्शन में पहले से है ठीक है। देयरफॉर मैं एक फॉर्मूला है जो हम लोग न्यूमेरिकल में काम आएगा ई जीरो सेल इज इक्वल टू क्या आएगा ई जीरो कैथोड माइनस ई जीरो एनॉड ई जीरो कैथोड माइनस ई जीरो एनॉड। यहाँ पर रिडक्शन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर सबको मालूम है रिडक्शन में नहीं है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया ई जीरो सेल इज इक्वल टू ई जीरो कैथोड माइनस ई जीरो एनॉड ठीक है समझा। राइटिंग डाउन ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन्स इक्वेशन। नाउ व्हाट इज नॉन्स इक्वेशन, क्या है ये, क्यों दिया गया, कौन दिया, तो दिया किसने दिया हमको मालूम ही नाम का मन पड़ा है, नंस भाई ने हम लोग को ये इक्वेशन दी होंगी, नंस भाई ने ये इक्वेशन क्यों दी, तो हम लोग को मालूम है इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल ये दोनों चीज़ जो है इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल दोनों चीज़ किस पर डिपेंड करती है, अभी मैं समझाया कि दोनों चीज़ डिपेंड करती है कंडीशन पे, कौन सा कंडीशन पे, कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है, प्रेशर पर डिपेंड करती है और क्या है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है राइट। तो ये डिपेंड करती है मैंने बताया राइट मगर कितना डिपेंड करती है बताया क्या नहीं, कितना डिपेंड करती है उसकी डिपेंडेंसी कितनी है वो डिपेंडेंसी पता करने के लिए हम लोग को नर्स भाई ने ये इक्वेशन दिया। और ये नर्स भाई ने क्या इक्वेशन दिया, नर्स भाई ने इक्वेशन दिया कि क्या ई इज इक्वल टू ई जीरो नॉट ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ और एल एन क्यू राइट ना। नाउ ई क्या हमारा ई इज इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल जो भी बोलना है बोलो पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल जो भी बोलना है बोल सकते हैं हम लोग, सेम फॉर्मूला दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर क्या है हमारा गैस यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, टी मतलब टेम्परेचर, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर फॉर द या ट्रांसफर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द रिएक्शन या सेल रिएक्शन, जो सेल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं जैसे कि मैं अगर जिंक और कॉपर लूंगा तो दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो एन इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। एफ मतलब फैराडे राइट ना, जो कूलम में लिखेंगे तो 96500 होगा, एल एन हमारा नेचुरल लॉग होता है और क्यू क्वेश्चन रिएक्शन क्वेश्चन
नाउ सिंस हम लोग को मालूम है क्यू इज इक्वल टू क्यू इज रिएक्शन पोर्शन है, पी क्यू इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. क्यू क्या है हमारा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. और हम लोग को मालूम है हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर E is equal to क्या आएगा, E not cell is equal to a minus RT upon NF. And then Q की जगह क्या लिखूं, concentration of product और short में लिखूं P upon concentration of reactant, right? Now since हम लोग को अगेन मालूम है since ln क्या होता है, ln is equal to 2.303 log to the base 10. So therefore log to the base 10 हो गया. Therefore E is equal to क्या आ जाएगा, E not है ना 2.303 आगे लिख देता हूँ मैं माइनस 2.303 मल्टीप्लाई बाय आर टी अपॉन एन एफ लॉग टू द बेस 10 है ना, ये दोनों टर्म एक ही साथ है, एलएन की जगह पे आए. उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एवरेजेस, यहाँ तक क्लियर है लोगों. नाउ सिंस यानी कि यहाँ कौन सी चीज क्या है, ई इज इक्वल टू सेल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पोटेंशियल ई नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा स्टैंडर्ड सेल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. थर्ड जो है हमारा आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है ना, गैस कॉन्स्टेंट है आर. आर की वैल्यू क्या होती है हमारी 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, राइट है, मोल इनवर्स के यूनिवर्स में कुछ होती है, राइट. उसके बाद टी क्या है हमारा टेम्परेचर, आप लोगों का स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लिखे कैलविन में से क्या लिखेंगे 298 केल्विन, राइट. उसके बाद एन क्या होता है, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन ट्रांसफरिंग इन द रिएक्शन. और एफ इज इक्वल टू फैराडे, फैराडे का 9650 कूलम पर मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है. चलो पहले पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं हम लोग. अगर मैं इसको वैल्यू पुट करूंगा, आर की वैल्यू पुट करूंगा, एफ की वैल्यू, टी की वैल्यू पुट करूंगा, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर मेरा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिखो, अगर मैं आर की एफ की और टी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2.303 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरा आंसर आएगा देयरफॉर ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस कितना आएगा 0.0592 अपॉन एन को मैंने वैसे ही रखा, एन के मैंने उसमें नहीं लिया, मैंने सिर्फ इसको सॉल्व किया हूँ, ये पार्ट को, ये जो टी की वैल्यू, आर की वैल्यू, एफ की वैल्यू, और ये इसको सॉल्व करने के मुझे आंसर ये आएगा into log to the base 10 concentration of product upon concentration of reactant. ये हमारा एक formula बन गया जो हम लोग को numerical में लगेगा, right? इसके अलावा एक और formula हम लोग को ध्यान देना है, एक और formula देखेंगे हम लोग, एक मिनट, हाँ एक और formula बनेंगे, if हमारा concentration of reactant एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स अगर क्या रहेगा, यूनिटी रहेगा, अगर एग्जाम में यूनिटी इज इक्वल टू 1, राइट, यूनिटी दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो इसे 1/1 हो जाएगा, इसका मतलब लॉग 1 हो जाएगा, लॉग 1 कितना होता है 0 होता है, लॉग 1 0 हो गया, 0 को समझ लेता है 0 हो जाएगा. देयरफॉर अगर हमारा क्या दिया हुआ है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का रिएक्शन क्या आएगा 1 रहेगा, तो हम लोग क्या आएगा E इज इक्वल टू क्या आएगा E नॉट सेल, मतलब E नॉट सेल मतलब E सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू रहेगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, समझा हम लोगों. ये कभी कभार ये फॉर्मूलेशन को न्यूमेरिकल सॉल्व करना आता है, बट अगर ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, कभी कभार क्या होता है मतलब ट्रिकी क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल एमसीक्यूज में आएगा, मगर एमसीक्यूज में अगर मैं फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते बैठे तो मेरा बेवकूफ़ी है, एक मार्क्स के क्वेश्चन है, किया क्या होता है उसने पूरा सब कुछ वैल्यू देगा हम लोग को, और ये भी देगा कि बोलेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज यूनिटी, कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है यूनिटी है, राइट ना, 1 है तो 1 रहेगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का तो ऑब्वियसली हम लोग 1 में 1 रहेगा, तो जब 1 रहेगा तो हम लोग को ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है
वही हम लोग क्या करेंगे आंसर में लिख आएंगे, क्योंकि हम लोग सॉल्व करने की जरूरत है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल के बराबर ही होता है सेल्फ पोटेंशियल, कब, जब कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या रहेगा, वन रहेगा। ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। अगर हम लोग के अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगता है, मेरे लेक्चर में कोई आप लोग को मेरे लेक्चर के वीडियो समझ में आते हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, राइट, और बेल आइकन नहीं दबाया हो तो दबा दो। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक।